फोर्टनाइट। तो गाइज ये जो टॉपिक है वो इतना ट्रेंडिंग हो चुका है यूट्यूब पे कि बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं फोर्टनाइट ये फोर्टनाइट वो। पर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोर्टनाइट के जो भी है लेटेस्ट आपके फैक्ट्स, लेटेस्ट न्यूज और जो भी लेटेस्ट जो है रिकॉर्ड बनाया है फोर्टनाइट ने। तो आगे मेरे साथ इस वीडियो को देखते रहिए और आपको जो है ये सब चीजें के बारे में पता लगेगा। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है सौरभ एंड यू आर वॉचिंग गेमी ड्यूड। सो हेलो गाइज, यार कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ यार सभी अच्छे होंगे। तो बहुत दिनों बाद यार मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो मैंने चैनल का नेम है, हाँ गाइज, मैंने चेंज कर दिया उसे टेक्नो सौरभ से द गेमी ड्यूड में। क्योंकि यार टेक्नो सौरभ जो था वो आपका बेसिकली लगता था आपका टेक्निकल चैनल, तो वो इतना अच्छा नाम नहीं लगता था, तो मैंने वो चेंज किया है। और अब से मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा, मतलब डेली बेसिस पे वीडियो डालूंगा। और आपको यार जो भी चाहिए, कोई भी गेम, कोई भी ऐसी न्यूज़ या कुछ भी, तो आप यार मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको जो अगले दिन वो ला के दे दूंगा। तो चलिए गाइस, आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है फोर्टनाइट। तो आपने लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो सुनी ली होगी, बेसिकली कल के दिन या परसों के दिन ही आ गई थी कि फोर्टनाइट जो है वो निंटेंडो स्विच में जो है वो लॉन्च हो चुका है। पर गाइज आपको ये नहीं पता होगा कि निंटेंडो स्विच में आते ही उसने जो है वो धूम मचा दिया और 24 आवर्स के अंदर उसके लॉन्च टाइम में 2 मिलियन डाउनलोड जो है उसके हो चुके हैं और गाइज बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं लोग निंटेंडो स्विच पे फोर्टनाइट को। तो गाइज अब अगले फैक्ट की बात आ जाती है। तो गाइज फोर्टनाइट और प्ले स्टेशन 4, तो गाइज ये ग्लिच जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो रहा है। अगर आपके पास भी प्ले स्टेशन 4 है तो आपको पता होगा, अगर आपने अपने एपिक अकाउंट को या फोर्टनाइट अकाउंट को प्ले स्टेशन अकाउंट के साथ सिंक कर दिया तो वो आपको जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे खेलने की इजाजत नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप PS पे फोर्टनाइट खेल रहे हो और खेलना चाहते हो अपने एक्सबॉक्स वाले दोस्तों के साथ या PC वाले दोस्तों के साथ, तो वो आप नहीं खेल सकते अगर आपने अपना सिंक कर लिया है एपिक अकाउंट अपने प्ले स्टेशन अकाउंट से। तो गाइज ये जो है वो एक बहुत ही बुरी बात है। तो यार अब ये ग्लिच है, या सोनी जो प्ले स्टेशन की कंपनी है, उन्होंने ये कहा है कि हम अपने प्लेयर्स की सिक्योरिटी जो है वो बचाना चाहते हैं, तो इस वजह से हमने जो है ये जो है बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो गाइज ये बहुत ही सैड न्यूज है प्ले स्टेशन 4 के यूजर्स के लिए कि वो जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पर प्ले नहीं कर सकते। तो और जो है फोर्टनाइट के बारे में बता दूं यार कि फोर्टनाइट एंड्रॉयड, यार इस पे इतनी वीडियोस बन रही है कि फोर्टनाइट एंड्रॉयड आ गया, ले लो डाउनलोड लिंक ले लो। तो गाइज वो सारी जो है वो वीडियोस वो फेक हैं, एक भी पैसे की वो वीडियो नहीं है। तो यार उन पे गाइज बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करो, अपना डेटा बर्बाद मत करो, वो आपके जो एप्स हैं वो हार्म कर सकते हैं आपके एंड्रॉयड डिवाइस को। तो गाइज अभी तक एंड्रॉयड पे फोर्टनाइट नहीं आया है, ये बिल्कुल ट्रस्टेड और रियल न्यूज है। हाँ गाइज, उन्होंने बोला था कि E3 2018 में फोर्टनाइट की तरफ से कि ऑफिशियल लॉन्च हो सकता है, जो कि शायद आज या कल में होना था, पर वो उन्होंने जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पे कब होगा। बेसिकली उन्होंने बोला था कि हम समर में करके देंगे, तो देखते हैं आगे फोर्टनाइट जो है वो कब करता है अब लॉन्च अपने एंड्रॉयड डिवाइस में, तो तभी हम उसको जो अपने एंड्रॉयड में खेल पाएंगे। तो गाइस अब एक बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव और आपको एक अच्छी वाली न्यूज देने वाला हूँ, जैसे सुन के आप जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। और एंड्रॉयड के बारे में नहीं है बेसिकली, ये एंड्रॉयड के लिए तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये जो है वो एपिक गेम्स ने जो है वो खुद कहा है कि वो जो है अनाउंस कर रहे हैं फोर्टनाइट 2019 वर्ल्ड कप। जी हाँ गाइज, ये गेम अब इतनी धूम मचा रहा है कि उन्होंने वर्ल्ड कप अनाउंस कर दिया है। हाँ गाइज, ये कोई झूठी न्यूज़ नहीं है, ये एक ट्रस्टेड न्यूज़ है, खुद एपिक जो है आपके गेम्स हैं उन्होंने खुद ने ऐसा कहा है। तो इसके लिए क्वालिफायर्स भी होंगे यार, जैसे हमारे क्रिकेट में होते हैं। तो 2018 के लास्ट तक जो है ये शुरू हो जाएंगे और आपको जो है वो 2019 के मिड या लास्ट में जाके आपको एक वर्ल्ड कप देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए आपके होगा। और शायद iOS या एंड्रॉयड के लिए कुछ अलग से हो, पर PC वगैरह या प्ले स्टेशन के लिए जो है वो ये वर्ल्ड कप 2019 होने वाला है। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार न्यूज़ है कि यार बताओ अब हमें गेमिंग में भी वर्ल्ड कप मिलेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो गाइज अब एक आखिरी बात की बात कर दूं, मैंने आपको शुरू में बताया था निंटेंडो स्विच के बारे में। तो गाइज निंटेंडो स्विच पे लोग बता रहे हैं कि फोर्टनाइट उतना अच्छा, मतलब बेसिकली काम नहीं कर रहा है। मैंने भी अपने दोस्त के निंटेंडो स्विच में प्ले करके देखा, तो गाइज उसकी जो ग्राफिक क्वालिटी है वो थोड़ी सी कम है, मतलब आप कंपेयर करें PC से या iOS से तो थोड़ी सी कम है, बट हाँ स्टिल प्लेएबल है और अच्छा चल रहा है। अभी थोड़ी सी ग्लिचेस वगैरह हैं तो वो
अपडेट के साथ शायद एपिक गेम्स उन्हें फिक्स कर देगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कुछ फॉर्नाइट के बारे में, कुछ फैक्ट्स, कुछ न्यूज़ और एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में, फॉर्नाइट के, क्रिकेट के नहीं। तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सुन के अच्छा लगा होगा। तो यार बस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर यार ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को कर दो लाइक। मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।